नमस्कार। टाइम टुडे के इस बुलेटिन को लेकर हाजिर हूं मैं किशोर। बुलेटिन में सबसे पहले बात राहुल की। कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी ने सिमी और आरएसएस को बराबर करार देते हुए कहा कि दोनों कट्टरता को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहली बार कांग्रेस का संगठन नीचे से ऊपर तक तैयार किया जा रहा है। उन्होंने संगठन चुनाव फ्री और फेयर तरीके से कराने पर जोर देते हुए कहा कि पार्टी में चमचागिरी करने वालों को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। कांग्रेस महासचिव और युवा तुर्क राहुल गांधी मध्य प्रदेश में युवा कांग्रेस चुनाव और संगठन की सदस्यता को गति देने के लिए 3 दिनों से मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने श्योपुर, रीवा, लखनादौन, उज्जैन सहित कई क्षेत्रों का दौरा किया और यहां पर उन्होंने पार्टी की विचारधारा से युवाओं को जोड़ने के लिए युवाओं से सीधा संवाद किया। दौरे के आखिरी दिन राहुल भोपाल पहुंचे। यहां उन्होंने यूथ कांग्रेस में हो रहे संगठन चुनाव प्रक्रिया की तारीफ करते हुए कहा कि देश में पहली बार कांग्रेस अलग तरीके से संगठन खड़ा कर रही है, जिससे देश में नई पीढ़ी के नेता तैयार होंगे। यूथ कांग्रेस में और एनएसयूआई में हम एक नए तरीके की राजनीति, एक नया संगठन बना रहे हैं, एक नया प्रकार का संगठन। आमतौर से राजनीतिक संगठनों में जो लोग चुने जाते हैं नॉमिनेशन बेसिस पे होते हैं, ऊपर से नीचे चुने जाते हैं। हम पहली बार हिंदुस्तान में नीचे से ऊपर अपने संगठन को बना रहे हैं, इलेक्शन के माध्यम से, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के माध्यम से, खुले इलेक्शन के माध्यम से। ये कोई और पार्टी नहीं कर रही है, एक ही युवा संगठन है जो इस काम को कर रही है और हमें खुशी है कि काफी सफलता प्राप्त हो रही है। तकरीबन आधा हिंदुस्तान हमने कर दिया है, मध्य प्रदेश बाकी है। बहुत उत्साह है मध्य प्रदेश के युवाओं में, लगता है कि काफी डायनामिक तरीके से यहाँ पे हमारा चुनाव होगा और एक नई पीढ़ी तैयार होगी लीडर्स की। राहुल ने कहा कि देश की राजनीति में युवाओं को प्रवेश आसानी से नहीं मिल पाता, इसके लिए उन्होंने राजनीतिक दरवाजे के डिजाइन में बदलाव करने पर जोर दिया। देश में युवा प्रधानमंत्री के सवाल पर राहुल ने साफ कर दिया कि केंद्र की यूपीए सरकार मनमोहन सिंह के नेतृत्व में बेहतर काम कर रही है। फिलहाल देश को युवा नेताओं की आवश्यकता है। राहुल ने मध्य प्रदेश सरकार पर राजकीय अतिथि का दर्जा दिए जाने पर कहा कि ज्यादा पुलिस बंदोबस्त से आम जनता को तकलीफ होती है, उन्होंने इसे बंद करने की बात कही। कि जो ये पुलिस का पूरा बंदोबस्त होता है, इससे लोगों को मुश्किल होती है। तो स्टेट बेस बना दिया, ये सब ठीक है, मगर अगर हमारी मदद करना चाहते हैं तो ये जो पुलिस का बंदोबस्त होता है, ये जो गाड़ी रोकी जाती है, ये जो थोड़ा तमाशा होता है, इसको थोड़ा मिनिमाइज कर दें तो हमारा इसमें फायदा होगा। क्योंकि हम यहां जनता से मिलने आते हैं, जनता को कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए। और जब ये पूरा बंदोबस्त होता है, स्टेट गैस का बंदोबस्त होता है, इससे जनता को भी कष्ट पहुंचता है। तो अगर इसमें थोड़ी इंप्रूवमेंट ला सकें तो बहुत खुशी होगी मुझे। नहीं, ठीक है भैया, वो तो अलग बात है भैया, राजनीति बात है। अब भैया तरीका बदल दिया तो ठीक है, अब हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता भैया। आप हमें स्टेट गैस बुलाइए, हमें आम आदमी बुलाइए, जो भी आप बुलाना चाहते हैं बुलाइए, मैं अपना काम करता रहता हूं। मेरा काम है युवाओं को राजनीति में लाने का। एक सेकंड भैया, मेरा काम है युवाओं को राजनीति में लाने का, मेरा काम है युवाओं के लिए राजनीतिक दरवाजा खोलना, मेरा और कोई काम नहीं है। अभी मुझे स्टेट गैस कहलाइए, मुझे आम आदमी कहलाइए, जो भी आप मुझे कहना चाहते हैं कह लीजिए, जनता को डिस्टर्ब मत करिए बस। राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया कि यूथ कांग्रेस का संगठन चुनाव पूरी तरह से पारदर्शी है और इसमें जमीनी नेता सामने आए। कांग्रेस युवराज राहुल गांधी ने साफ कर दिया कि अब पार्टी में नेता थोपे नहीं जाएंगे और राहुल ने पार्टी में जारी पैरासू सिस्टम को भी बंद करने की वकालत की है। राहुल ने साफ किया है कि अब नेता पेट से नहीं बल्कि पेटी से पैदा होंगे। कैमरामैन संजय तिवारी के साथ सुनील श्रीवास्तव, टाइम टुडे न्यूज़, भोपाल।